नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्थामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्थामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग टॉपिक अलग विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। आज का यहाँ पे जो टॉपिक है वो है पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी के बारे में है जो यूक्रेन में आया हुआ है, जिसका नाम है इवानो फ्रांकियस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी बेनिफिट आपको मिल पाए। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए और जो हमारे चैनल के ऊपर जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको पता होगा कि हमने पहले भी इवानो फ्रांकियस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का कंपेरिजन वीडियो बनाया हुआ है दूसरी यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज के साथ। तो यहाँ पे एक चीज आती है, क्वेश्चन आता है हर एक के माइंड में कि सोफ्थामो इवानो फ्रांकियस को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है। जैसे आप सबको पता है कि सोफ्थामो का जो रहता है वो मेन वर्क रहता है वो बेस्ड ऑन द रिसर्च है। किस रिसर्च के बेस पे हम लोग इवानो को इंपोर्टेंस दे रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इवानो फ्रांकियस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करेंगे तो वो आया हुआ है इवानो फ्रांकियस सिटी के अंदर। इवानो फ्रांकियस सिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट में आया हुआ है। वेस्टर्न पार्ट जो है वो एक्चुअली यूरोपियन कंट्री से एकदम नजदीक आया हुआ है। वहां से अगर दूसरी कंट्रीज की बॉर्डर की हम लोग बात करेंगे तो स्लोवाकिया है, हंगेरी है, पोलैंड है, रोमानिया है, ये सब कंट्री आपको नजदीक रहेगी वहां से। यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ईयर जो है यूनिवर्सिटी का वो 1945 का है। अगर इवानो फ्रांकियस स्टेट की हम लोग बात करेंगे तो करीबन 120 स्क्वायर फीट तक स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। और दूसरा वहां पे पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो करीबन 2.5 से 3 लाख के आसपास की पॉपुलेशन वहां पे देखने को मिली। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल स्टूडेंट की बात की जाए तो करीबन 2 से 2.5 हज़ार मेडिकल स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वहाँ पे, जिसके अंदर मोर देन 1000 स्टूडेंट आपको इंडियन स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इवानो फ्रांकियस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में तो यूनिवर्सिटी का जो ट्यूशन फीस है वहाँ पे वो करीबन $4,000 है पर एनम का फीस। 6 साल का सिलेबस रहता है, यानी कि 6 साल का टोटल एक्सपेंस जो रहेगा ट्यूशन फीस का वो रहेगा करीबन आपका $24,000। उसके अलावा अगर हम लोग हॉस्टल की बात करेंगे तो हॉस्टल वहाँ पे 3 टाइप के अवेलेबल है। एक गवर्नमेंट हॉस्टल है जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सीट्स वहाँ पे अवेलेबल है और वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। तो अगर आपको इवानो फ्रांकियस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने में इंटरेस्ट है तो आप जितना होता है उतना जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि आप अपना हॉस्टल का जो एकोमोडेशन है गवर्नमेंट हॉस्टल का वो बुक कर पाए। गवर्नमेंट हॉस्टल वहाँ पे बहुत ही सस्ता है, करीबन $380 पर एनम है। उसके अलावा दूसरा प्राइवेट हॉस्टल फैसिलिटीज जो रहता है वहाँ पे उसका एक्सपेंस करीबन आपको $1200 के आसपास का रहता है पर एनम, जिसके अंदर आपका कोई भी एडिशनल खर्चा नहीं आता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, सब चीज़ें इंक्लूड होती है। दूसरा एक चीज़ आपको ध्यान रखना आवश्यक है, यूक्रेन के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी है उसका खुद का हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल होता है, लेकिन वो हॉस्टल जो रहता है वो यूनिवर्सिटी के नज़दीक में नहीं होता है, वो डिस्टेंस एक होता है वहाँ पे, वो मे बी 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 2.5 किलोमीटर भी हो सकता है, 3 किलोमीटर भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी रहता है वो। दूसरा जो रूम्स रहे अवेलेबल रहती है गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्टल के अंदर वो 2 शेयरिंग या 3 शेयरिंग बेस रहते हैं, और वहाँ पे फ्लोर वाइज भी किचन अवेलेबल हो सकता है या फिर आपको रूम वाइज भी किचन मिल सकता है। प्लस जो टॉयलेट बाथ फैसिलिटी होती है कुछ कुछ जगह पे रूम के अंदर होता है, कुछ कुछ जगह पे फ्लोर वाइज अवेलेबल होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है। कोई भी हॉस्टल सिलेक्ट कर रहे हो तो उसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहले ले लेना आवश्यक है। उसके अलावा उससे अगर रिच फैसिलिटी चाहिए और यूनिवर्सिटी के नज़दीक रहना है आपको तो वहाँ पे एक्सपेंस आपका बढ़ जाएगा। वहाँ पे ऑप्शन जो मिलेगा वो होगा प्राइवेट अपार्टमेंट का। नॉर्मली जो प्राइवेट अपार्टमेंट रहते हैं वो 2 रूम या 3 रूम प्लस किचन वाली फैसिलिटी वाले होते हैं, तो वहाँ पे पूरा अपार्टमेंट आप अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते। प्राइवेट अपार्टमेंट अगर आप शेयरिंग बेस पे जाते हैं वहाँ पे 3 या 4 लोग के शेयरिंग में आप लेते हो तो करीबन आपको $1800 पर एनम के खर्चा रहेगा, जिसके अंदर हर एक टाइप का खर्चा हम लोग इंक्लूड गिन के चल रहे हैं। अपार्टमेंट की बात करेंगे तो फुल्ली फर्निश अपार्टमेंट होता है, जिसके अंदर हर एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल रहती है आपके लिए। जैसे वहाँ पे हीटिंग सिस्टम अवेलेबल होता है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, गैस फैसिलिटी है, वो हर एक फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होती है। जैसा जैसा आपका बजट है उसके हिसाब से एकोमोडेशन फैसिलिटी वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। तो एकोमोडेशन फैसिलिटी बेसिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर होना जरूरी है, लेकिन वहाँ पे वो दिक्कत है, तो उसके लिए आपको प्राइवेट एकोमोडेशन का भी ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे मैस फैसिलिटी की बात करेंगे या रेस्टोरेंट की बात करेंगे, गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर वहाँ पे कैंटीन अवेलेबल है लेकिन इंडियन फूड वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। हालांकि इस साल से सोफ्थामो स्टूडेंट की डिमांड की वजह से खुद का मैस फैसिलिटी वहाँ पे करने जा रहा है, और उसके अलावा सेल्फ कुकिंग फैसिलिटी तो अवेलेबल रहती है स्टूडेंट के लिए जिसको खाना खुद पकाना आता है, तो मैस इट्स नॉट अ मेजर इश्यू। लेकिन यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की बात आती है ये सब चीज़ों की वजह से नहीं आ रही है। यहाँ पे जो रीज़न है वो है FMGE का रिजल्ट। FMGE का रिजल्ट अगर हम लोग देखते हैं 2015 से 2018 का और 2019 वाला, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको प्रॉपरली काउंटिंग करने की आवश्यक है।
एक्चुअली गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है, नेट बोर्ड का जो वेबसाइट जो यहाँ पे हम लोग आपको शो कर रहे हैं, वहाँ पे तीन रिजल्ट रखे हुए 2012 से 14 का, 15 से 18 का और 19 का। तो ये तीनों रिजल्ट को प्रॉपरली गौर से देखना आवश्यक है, वहाँ पे कई बार मिसगाइड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं आपके लिए भी। जैसे कि आप जानते हैं 2015 से 18 का यहाँ पे अगर नेट बोर्ड की वेबसाइट पे हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे करीबन 380 बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 131 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि 249 स्टूडेंट जो थे वो क्वालिफाइड नहीं हुए थे। तो यहाँ पे जो 249 स्टूडेंट थे वो लोग एग्जाम फिर से रिपीट कर रहे थे 2019 के अंदर, मे बी वो फिगर के अंदर थोड़ा वेरिएशन हो सकता। तो जब 2019 का हम लोग रिजल्ट देखेंगे तो वहां पे 264 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 93 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे। तो यहाँ पे जो क्वालिफाइड नहीं हुए थे वो स्टूडेंट, वो थे 171 स्टूडेंट। अभी बात यहाँ पे आती है कि ये रिजल्ट के अंदर ऐसी क्या खास बात है। तो अगर आप ठीक से कैलकुलेशन करेंगे तो 15 से 18 के अंदर करीबन 131 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे और 19 के अंदर करीबन 93 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि टोटल 224 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे 15 से 19 तक में। टोटल स्टूडेंट जिसने एग्जाम दिया था वो करीबन 380 स्टूडेंट जो थे पहले के 2015-18 के, और 19 के अंदर वही स्टूडेंट रिपीटर हुए, यानी कि जो यहाँ पे फिगर दिख रही है उसके अंदर माइनस करेंगे तो 15 स्टूडेंट नए बैठे थे और मे भी शायद वो वेरी कर सकते हैं। तो भी यहाँ पे अगर टोटल काउंटिंग किया जाए तो करीबन 395 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, यानी कि अगर इस रिजल्ट के बेस पे अगर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल स्टूडेंट जो अपीयर किए थे एग्जाम के अंदर तो वो टोटल 395 स्टूडेंट थे और क्वालिफाइड स्टूडेंट थे 224 थे। अगर इसका प्रॉपर कैलकुलेशन किया जाए तो इवानो फ्रेंकियस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट वो करीबन 56.70% दिखेगा आपको, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट बोला जा सकता है। मोर देन 50% स्टूडेंट को क्वालिफाइड होना, दैट मीन्स इट्स अ बेंचमार्क, सो इसको कहीं पे भी गलत नहीं बोला जा सकता। तो इस बेस पे एक कंक्लूजन तो ये हो सकता है कि इवानो फ्रेंकियस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी इट्स वन रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी इन द टर्म्स ऑफ गुड रिजल्ट ऑफ FMG प्लस गुड एजुकेशन, दोनों तरीके से एक अच्छा यूनिवर्सिटी ऑप्शन बोल सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आएगा कि इवानो फ्रेंकियस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ये बेंचमार्क कैसे हासिल किया। तो इसके पीछे भी थोड़ा डेप्थ में जाएंगे अगर हम लोग, तो इवानो फ्रेंकियस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट में इतना सक्सेस होने का रीजन क्या है, तो उसके कुछ पहलू है वो जो आपको गौर करने पड़ेंगे, जो नेगेटिव लगेंगे आपको लेकिन नेगेटिव नहीं है किसी भी टर्म्स में। सबसे पहला जो पहलू है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ 20-25 स्टूडेंट एवरी ईयर। अभी यहाँ पे अपने को लगता है कि एक्सप्लेनेशन क्यों किया जा रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का फॉल्ट नहीं होता है, यहाँ पे जो रीजन है जो स्टूडेंट एग्जाम के अंदर अपीयर हो रहे हैं या तो नहीं भी हो रहे हैं या तो फिर एग्जाम के अंदर परफॉर्म नहीं कर रहे, जो स्टूडेंट मेजर सब्जेक्ट के अंदर मोर देन 3 अटेम्प्ट के अंदर भी पास नहीं हो पा रहे हैं, और दूसरे जो स्टूडेंट है जिनका अटेंडेंस का वहाँ पे इश्यू है, जिनका प्रॉपर अटेंडेंस नहीं है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनका एडमिशन कंसल्टिंग कंपनियों ने करवाया हुआ है लेकिन वो स्टूडेंट वाइवा के अंदर या बेसिक एग्जाम के अंदर प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज का भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो ये स्टूडेंट को एक्सफेल होने के चांसेस ज्यादा है। तो एक तो एक सबसे बड़ा रीजन ये है, दूसरा एकेडमिक स्ट्रक्चर जो है इवानो फ्रेंकियस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का, वहां पे किसी भी कंसल्टेंट को एकेडमिक पार्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट अलाउ नहीं है। कंसल्टेंट लॉबी का सिर्फ वर्क यहाँ पे यही है, वो आपको एडमिशन मुहैया करवा सकता है, आपके अकोमोडेशन फैसिलिटी को या फिर डेली नीड्स को वो फुलफिल कर सकता है। ये एक सबसे दूसरा बड़ा पहलू है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन करप्शन लेवल इज वेरी डाउन कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटी। थर्ड थिंग, जो क्रॉक एग्जाम है जिसको नेगेटिवली लिया जा रहा है वो भी एक प्लस पॉइंट बोल सकते हैं, क्योंकि उसके डर से ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जो नेशनलाइज एग्जाम है जिसकी वजह से करप्शन वहाँ पे कम है और उसकी वजह से ही बच्चों का पढ़ाई का परफॉर्मेंस आपको मिल रहा है। उसके अलावा दूसरा एक नेगेटिव प्रमोशन जो होता है मार्केट के अंदर इंटर्नशिप वाला, कि 5 साल का MBBS है और 1 साल का इंटर्नशिप है, सरासर गलत बात है। यूक्रेन की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर्नशिप नहीं है वहाँ पे इंक्लूड सिलेबस के अंदर। इंटर्नशिप बच्चे को या स्टूडेंट को इंडिया में आके MBBS कंप्लीट होने के बाद ही वो यहाँ पे इंडिया में इंटर्नशिप करेगा, ना कि यूक्रेन में वो इंटर्नशिप करने वाला है। तो ये चीज़ को कभी भी काउंटिंग में ना ले। अगर इवानो फ्रेंकियस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की सक्सेस की बात करेंगे, किस लेवल पे आज की डेट में वो लोग वर्क कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर डेटा चेक करेंगे तो इवानो फ्रेंकियस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं, जो एलुमनाई है, वो आपको एम्स के अंदर PG करते हुए भी नजर आएंगे, वही स्टूडेंट आपको USMLE क्लियर करके US के अंदर सेटल भी नजर आएंगे, वैसे ही कुछ स्टूडेंट आपको UK के अंदर NHS के थ्रू यूनाइटेड किंगडम के अंदर UK प्लेब क्लियर करके वहां पे PG की प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आएंगे। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो
इंडिया की जो रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जिसके अंदर आज की डेट में पीजी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट जो है वो डिफेंस के अंदर खुद का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक इंडियन एयरफोर्स और मिलिट्री के अंदर, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और कुछ स्टूडेंट ऐसे है जो जिपमर है, जीएमसी वेल्लोर है, फिर आपका सफदरगंज हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, ये सब जगह पे इंटर्नशिप करते हुए नजर आएंगे आपको। और ये एक लेवल अचीव करने का रीज़न एक ही है यहाँ पे, एक तो एफर्ट ऑफ द स्टूडेंट, एफर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट का डॉक्टर बनने का ड्रीम, और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है डिसिप्लिन एजुकेशन सिस्टम। और दूसरी बात हमने जो पहले भी एक वीडियो में बोली हुई थी वो यहाँ पे फिर से दोहराना चाहूँगा मैं कि इवानो फ्रेंकियस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी इट्स लाइक कोटा ऑफ राजस्थान और शिखर ऑफ द राजस्थान। यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी चीज़ मिलने वाली नहीं है। अगर आप वो सोच के जा रहे हैं कि आपको एंजॉयमेंट मिलेगा तो वो नहीं मिलने वाला है वहाँ पे। इट्स अ स्मॉल प्लेस, इट्स अ स्मॉल सिटी विथ गुड एजुकेशन सिस्टम। आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन पे ही होगा, और अगर वहाँ पे ही है तो ही इवानो फ्रेंकियस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का चयन करें। तो आई थिंक दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना या लाइक करना ना भूलें। दूसरा, अगर यहाँ पे आपको प्री रजिस्टर करना है इवानो फ्रेंकियस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हमारी वेबसाइट पे जाके MBBS अब्रॉड पेज के अंदर, MBBS इन यूक्रेन के अंदर जाके वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वहाँ पे रजिस्टर करें, और पेमेंट ऑप्शन है वहाँ पे, ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन, वहाँ पे जाके पेमेंट करके खुद को रजिस्टर करवा लें। दूसरा, फिर से निवेदन है आपसे मेरा कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।